हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तरनजी राइडर ब्लॉग। सो गाइस, आज आपसे शेयर करने वाला बहुत ही बढ़िया चिली मशरूम की रेसिपी। अच्छा, वन मोर थिंग, आज मेरे हाथ खाली हैं, आज मैं आराम से बोल सकता हूँ। आप लोग सोचते हैं मैं कम बोलता हूँ, कम नहीं बोलता, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, बट ये कि मेरे को कैमरा होल्ड करना पड़ता है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, कुछ बातें भूल जाता हूँ। सो गाइस, आज आपसे मेरी जो मदर है, आज मेरे लिए कैमरा होल्ड करी, तो थैंक्स सर। तो आज आपसे भी शेयर कर रहा हूँ मशरूम चिली की बहुत ही बढ़िया रेसिपी। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। तो पहले हम क्या करेंगे, सो गाइस पहले हम लेंगे कढ़ाई या कोई पतीला, इसमें डालेंगे पानी, ताकि पानी जब तक हम और तैयारी करें हमारा पानी बॉयल हो जाए। जब पानी बॉयल आएगा तब आपको बताऊंगा हमने पानी क्यों लिया यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ पर हमने लिए हैं 400 ग्राम मशरूम्स, और साथ में हमने लिए, पहले बताता हूँ हमने क्या क्या लिया है। हमने लिया है शिमला मिर्च ली है एक, हमने यहाँ 3 से 4 लिए हैं प्याज, इसके हमने कलियां निकाली है, फिर से पेडल्स भी कहते हैं। यहाँ पर लिया है हमने अदरक, और यहाँ लिया लहसुन हमने 8 से 10 कलियां लिए लहसुन की, और 1 इंच लिया टुकड़ा अदरक का, 2 लिए हमने हरी मिर्चें, और ये प्याज लिया थोड़ा सा और, क्योंकि जो चाइनीज कुकिंग एक कुकिंग होती है इसमें ना प्याज बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो गाइस, अब हम पहले क्या करेंगे, सो गाइस अभी क्या कर रहा है, हमने जो अपने मशरूम्स लिए हैं ये अभी हमने धोए नहीं है, क्योंकि इसमें जो फंगस वगैरह लगी होती है उसको रिमूव करने के लिए पता है हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच मैदे का, और इसे हाथ से करेंगे रब करेंगे, ताकि जो इसमें फंगस होगी ना वो अपने सारी उतर जाएगी। मशरूम गीले नहीं है, गीले मत करना नहीं तो सारे साथ में चिपक जाएगा मैदा। सो गाइस, हमने अपने मशरूम अच्छे से वॉश कर ली है। सो गाइस, अब हम अपने मशरूम के करेंगे पीसेस। सो गाइस, ये हमारी मशरूम कट चुकी है, जो बड़ी थी हमने उसको 4 पीसेस में काटा है, जो छोटी थी हमने उसको 2 में काटा। सो गाइस, हमारे पानी में बॉयल आ चुका है, अब हम क्या करेंगे, हम अपने जो मशरूम है इनको ब्लांच करेंगे। इसमें पहले हम डालेंगे 1 चम्मच नमक का, और फिर उसे डालेंगे अपने मशरूम। मशरूम सिर्फ 1 मिनट के लिए हम डालेंगे गर्म पानी में, निकाल लेंगे। एक ब्लांच करने से फायदा यह है कि एक तो ये क्रिस्पी बहुत बनेंगे, दूसरी बात इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे ब्लांच करके फ्रिज में रख सकते हो, 10 से 12 दिन तक ये खराब नहीं होंगे। तो सिर्फ 1 मिनट, घड़ी पे देख के पूरे 1 मिनट बस, इससे ज्यादा नहीं। ये अपने सीनर लिया, सीनर पे डाल देंगे, 10 मिनट करते छोड़ देंगे बिल्कुल। सो गाइस, जब तक हमारे मशरूम में से पानी स्ट्रेन हो रहा है, तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम बनाएंगे इसकी सॉस। इसमें पहले डालेंगे हम टमाटो केचप 3 से 4 बड़े चम्मच, साथ में इसमें डालेंगे हम व्हाइट विनेगर कम से कम 1 चम्मच व्हाइट विनेगर, साथ में इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच सोया सॉस के, और साथ में इसमें डालेंगे हम रेड चिली, ये रेड चिली 1 चम्मच डालेंगे। रेड चिली जो है ना, ये घर की बनी हुई है। क्या करना है, आपने जो साबुत मिर्ची आती है, लाल मिर्ची आते हैं ना, उनको भिगो के उनके बीज निकाल के मिक्सी में पीस लो, आपकी रेड चिली तैयार हो जाएगी। सो गाइस, ये हमारी सॉस होगी तैयार। सो गाइस, 10 मिनट हो गए हमारे मशरूम को सूखते हुए। अब हमने क्या करेंगे, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के भर के डालेंगे चम्मच, और हमने कॉर्नफ्लोर लिया है 3 चम्मच, तो 2 चम्मच डालेंगे हम इसमें मैदा, रेशियो ऐसे रहेगी इसमें। और साथ में तो अगर थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो उसको इसमें डालेंगे, मतलब 1/4 चम्मच काली मिर्च का, और साथ में इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि आगे भी डालना है। इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, अच्छी तरह कोट करेंगे, ताकि जो मैदा है और कॉर्नफ्लोर है वो हमारे मशरूम पे लग जाए। सो गाइस, ये सारी होगी कोटिंग हमारी। सो गाइस, यहाँ पर हमने कढ़ाई में लिया है तेल, अब पहले तेल को अच्छे से गर्म। सो गाइस, हमारा तेल हो चुका अच्छे से गर्म, अब हमने मशरूम इसमें डालेंगे के करके उसको फ्राई करेंगे बढ़िया करके। सो गाइस, हमारा पहला बैच मशरूम का हो गया फ्राई,
अब इसे निकालते हैं और इसी तरह अपना दूसरा बैच भी हम फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, हमने जो कढ़ाई में तेल निकाल लिया, हम कुकिंग इसी में करेंगे। ऑलरेडी तेल गरम है। अब हम क्या करेंगे, इस पहले इस पे डालेंगे हम लहसुन, साथ में डालेंगे अदरक और में चॉप प्याज आना वो डालेंगे। कुकिंग जो अपन होगी बड़ी फास्ट होगी, इसको सिर्फ एक मिनट के लिए हम पकाएंगे। तो गाइस, एक मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने जो हमने प्याज और मशरूम डाला है ना, तो जो प्याज और मशरूम काटा है ना वो डालेंगे इसमें, साथ में डालेंगे अपनी हरी मिर्ची। हमने प्याज और मशरूम प्याज ज्यादा डाला बिकॉज हमें प्याज ज्यादा खाने में अच्छा लगता है, आप चाहो तो कभी डाल सकते हो। अब इसको सिर्फ दो मिनट के लिए पकाएंगे, अच्छा नहीं पकाना क्योंकि इसको थोड़ा कच्चा कच्चा रखेंगे तभी मजा आता है। दो मिनट हो चुके हैं हमारे प्याज और शिमला मिर्च को पकते पकते। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पे डालेंगे हमने जो अपनी सॉस बनाई थी वो सॉस में डालेंगे। साथ में इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी काली मिर्च और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले भी नमक डाला था तो आधा चम्मच काफी है। अब इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अभी इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो गाइस, एक अच्छा सा यहाँ पर आ चुका है, बॉईल आ चुका है हमारी सॉस में, आप देख सकते हो। अब इसमें हल्का सा पानी डाल देंगे, हम ड्राई बना रहे हैं मगर हल्का सा पानी डालेगा, मतलब थोड़ा सा पानी डालेगा इसमें। इसको एक बार अच्छा मिक्स कर देते हैं और इसको थिक करने के लिए अब इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ताकि जो हमारी ये कोटिंग है सारी हमारे मशरूम पे लग जाए। ये मैंने एक चम्मच लिया है, इसको डालेंगे इसमें। तो कितना बढ़िया कलर आया इसका। एक मिनट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, अब अपने डालेंगे मशरूम। ये रहे हमारे मशरूम, सारे इसमें डालेंगे और इसको एक अच्छा वाला मिक्स देंगे और अब ज्यादा नहीं पकाएंगे, एक मिनट पकाएंगे बस, और या दो मिनट, ज्यादा दो मिनट, ताकि हमारी जो सारी सॉस है हमारे मशरूम पे लग जाए। तो गाइस, यहाँ तैयार है हमारे, रेडी हैं चिली मशरूम, रेडी टू ईट। ये देखो कितने बढ़िया लग रहे हैं। सो गाइस, चीयर्स। गाइस, टू गुड, मैंने टू गुड। सो गाइस, आप जो बनाना और कमेंट करना कहते बने हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। तो गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।